उत्तराखंड के जनपद पौड़ी में नवनियुक्त एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने पुलिस लाइन परिसर में अपनी पहली क्राइम बैठक आयोजित की। आयोजित बैठक में एसएसपी द्वारा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने अधीनस्थ अधिकारियों और पुलिस के जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एसएसपी ने बताया कि वर्तमान में लोकसभा चुनाव पर पुलिस का फोकस है और पुलिस की पहली प्राथमिकता चुनाव को शांतिपूर्वक व निष्पक्ष संपन्न करना ही रहेगा। इसके साथ ही जनपद में बढ़ते हुए अपराधों व नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना उनकी प्राथमिकता में शुमार रहेगा। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। इलेक्शन के आसपास मैंने ज्वाइन किया है तो सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो लोकसभा इलेक्शन को बिना किसी कॉन्स्पिरेसी के, बिना किसी वन ऑर्डर के स्मूथली इलेक्शन करवाना एक प्रायोरिटी है। उसके उपरांत जिले में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस हैं और जो अपराध की गतिविधियां बढ़ रही हैं उनको भी हम लोग कंटेन करेंगे। साथ ही साथ चूँकि पहाड़ों में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है तो नशे को कैसे हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कैसे युवाओं को प्रेरित करते हुए उनको नशे से हम लोग उजागर कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा।